मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और बेहतर फिल्म शूटिंग की सुख सुविधा होने के कारण अब फिल्म निर्देशकों का एमपी की ओर रुझान बढ़ने लगा है, जिसके चलते एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग देखने को यहां मिल रही है। इसी कड़ी में एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग रायसेन में हुई, जहां कॉमेडी अभिनेता संजय मिश्रा ने खबर मध्य प्रदेश के साथ खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में इन दिनों बॉलीवुड की शॉर्ट फिल्मों के लिए बॉलीवुड के पेडू सर एवं एकता इन दिनों मध्य प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर के छोटे छोटे कलाकारों को भी मौका मिल पा रहा है। ऐसी ही एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने कॉमेडियन के किंग बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में अभिनय कर चुके संजय मिश्रा इन दिनों रायसेन की छोटी छोटी जगहों पर शूटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन रिपोर्टर कलीम खान ने संजय मिश्रा से खास बातचीत की। हमारे साथ है फिल्म इंडस्ट्री इसके बहुत बड़े कलाकार संजय मिश्रा जी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि छोटे से शहर में आके उन्हें कैसा लग रहा है और क्या। मैं छोटे शहर का ही रहा हूँ और मैंने कई काम छोटे शहरों में ही किया है, इससे भी बहुत छोटा रायसेन तो फिर भी बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ, इससे भी छोटे शहरों में काम किया है। भोपाल से मेरा ताल्लुक रहा है, बचपन में मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे, रेडियो में थे, आकाशवाणी भोपाल में, तो यहाँ आपके सांची वगैरह तक लाया गया, लेकिन खुद चल के पहली बार इधर आ रहा हूँ रायसेन। अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, वैसे भी मध्य प्रदेश मुझे लगता है हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे साफ सुथरा राज्य है, तो बेहतरीन। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से क्या? जो छोटे बजट की फिल्में बनती हैं, जैसे मेरी एक फिल्म थी कड़वी हवा, जो झांसी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से सटता हुआ इलाका है वहाँ पर हमने शूट किया था, तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसी फिल्मों को हॉल मिले, थिएटर मिले, ताकि लोग देख सकें, और क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं कि उनकी फिल्में हर शहर में पांच पांच हॉल में लगती है, वो बहुत मुश्किल से अपनी फिल्म रिलीज़ कर पाते हैं, तो ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करे गवर्नमेंट। क्या इससे छोटे शहर के लोगों को, कलाकारों को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, बिल्कुल। आज मैं रायसेन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के खाना बनाने वाले काम कर रहे हैं, सिर्फ कलाकारी के, जो जो लोग सिनेमा में होते हैं यहाँ, जितने की ज़रूरत है सबको काम मिल रहा है। कभी ये शॉर्ट फिल्म है, जबकि बड़ी फिल्म होती है तो एक महीने शूटिंग चलता है, इसके दो दिन चलेंगे, तो सबको, कलाकारों को भी काम मिल रहा है, भोपाल से भी कलाकार आए हैं इसमें। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी देखी आपने, कैसा लग रहा है? नेचुरल ब्यूटी भी ठीक है, जो एक छोटे शहर का अपना एक मज़ा होता है, सब्जियाँ और सारी चीज़ें, दुकानें, वो फिल्म में अच्छा दिखेगी। क्या आप बड़े प्रोड्यूसरों से भी बात करेंगे कि यहाँ पे? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट में अगर रायसेन लिखा हुआ है या ऐसी जगह लिखी है तो बड़ा क्या, बड़ा से बड़ा भी प्रोड्यूसर यहाँ आके काम करेगा। अगर स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है तो छोटा के कोई नहीं काम करेगा। स्क्रिप्ट में है एक छोटे शहर, मध्य प्रदेश के छोटे से शहर की कहानी, तो रायसेन आना पड़ा। हर जगह जहाँ जरूरत पड़ती है प्रोड्यूसर को, वहाँ वो शूटिंग करते हैं। थैंक यू सर, खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश।